सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित होने वाले गेहूं के जो कोटे को कम कर दिया है। इससे उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत बांटे जा रहे गेहूं वितरित नहीं होगा, इसके बदले कार्ड धारकों को चावल का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में यह व्यवस्था जून महीने से लागू करने की पूरी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। इससे प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल मुफ्त में दिया जाता है। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में ये राशन मिल रहा है। वहीं अब केंद्र सरकार ने इस योजना में शामिल विभिन्न राज्यों का गेहूं का कोटा बेहद कम या बंद करने का फैसला किया है, जिसमें यूपी भी शामिल है। इसके बदले चावल का कोटा जो है वो बढ़ाने की बात अभी कही जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार देश में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, साथ ही केंद्र सरकार गेहूं का निर्यात करने की भी तैयारी कर रही है। चूंकि इस समय वैश्विक स्तर पर गेहूं की मांग एवं दाम दोनों ही बेहतर चल रहे हैं, ऐसे में यूपी में तैयारी ये है कि जून महीने में गेहूं केवल कार्ड धारकों को चावल ही दिया जाए। वहीं अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा अनिल दुबे जो हैं वो कहते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से इस तरह का प्रस्ताव है जिस पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। हालांकि अगले महीने से गेहूं की बजाय चावल वितरण की पूरी तैयारी है। वहीं सरकारी क्रय केंद्र पर इस बार गेहूं की खरीद कम होने का भी एक अहम कारण माना जा रहा है। यूपी की ही बात करें तो यहां पर ये 5,665 क्रय केंद्र खोले गए हैं। वहीं बता दें आपको इन पर मात्र 2.33 लाख टन मीट्रिक टन गेहूं की खरीद ही हो पाई थी, जबकि 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया। वहीं पिछले साल की तुलना में बता दें ये 50 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन की खरीद हुई थी, पर इस बार लक्ष्य काफी दूर नजर आ रहा है। इस समय कार्ड धारकों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन वितरण किया जा रहा है। पहला केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, तो दूसरी बार प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण के जरिए। वहीं उधर भले ही केंद्र सरकार की योजना में गेहूं का कोटा कम या बंद हो जाए, पर प्रदेश सरकार की योजना में गेहूं का जो वितरण है वो जारी रहेगा। इसमें भी प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल का वितरण जो है वो होता है। तो ये थी बात गेहूं की कि यूपी में अगले महीने से मुफ्त गेहूं नहीं मिलेगा, गेहूं के बदले अब चावल दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने इस योजना में शामिल विभिन्न राज्यों का जो गेहूं का कोटा है वो बेहद कम या फिर उसे बंद करने का ही फैसला किया है, जिसमें यूपी शामिल है। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।